सर इसमें टू वेरिएबल तो है ही नहीं। हाँ तो आपने तो टेंथ में, आपने टेंथ में ग्राफ ड्रॉ करा है y इक्वल टू टू का, आपको क्या परेशानी है? और नहीं करा तो गड़बड़ है? नो सर किया है। तो फिर बताओ जो आपसे तीन स्टेप्स कहे हैं वही तीन स्टेप यहाँ अप्लाई करिए। हाँ भाई देखो होगा क्या, एक्चुअली आपके पास क्या है, आप यहाँ से फिर वही करोगे, आपने ड्रॉ करना है ग्राफ, ठीक है सर, फोर y इज इक्वल टू टू। तो y इज इक्वल टू टू की अगर टेबल आपको याद हो, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये होता था कि भाई y हमारा फिक्स है, x आप जो चाहे रखिए, यस सर नो, याद आ रहा है कुछ? y कांस्टेंट हो गया, y कांस्टेंट हो गया टू, अब आप x कुछ भी रखो तो ठीक है, इसका ग्राफ तो इजी हो गया। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो इस केस में होता क्या है कि y सपोज करो ये 1 है ये 2 है, तो y 2 ही रहेगा, x को चाहे आप इंक्रीज करिए या x को चाहे आप डिक्रीज करिए, y 2 से ना, y का इंक्रीज होना डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि y वर्टिकल लाइन पे ऊपर जा रहा हो या वाई वर्टिकल लाइन पे नीचे आ रहा हो, तो ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, y तो वही रहेगा। हाँ x क्या हो सकता है, जब इधर जाते हो राइट साइड तो x इंक्रीज होता है, इधर जाते हो तो x डिक्रीज होता है, तो x इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है, y नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू टू की। अब फिर आपके पास क्या है, आपके पास दो पोर्शन है, बिलो द लाइन अबव द लाइन, आपको चेक करना है कि बिलो द लाइन वाला पोजिशन हमारा जो पोर्शन है वो हमारा सेटिस्फाई करेगा या ऊपर वाला। तो आपने पहले ड्रॉ कर लिया अगर आप पहला पोर्शन तो यही था, दूसरा आप चेक कर लीजिए, अगेन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो ओरिजिन को ही चेक कर लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ तो हमारे पास x है ही नहीं, y y है, तो y की वैल्यू रखो, y जीरो इज लेस देन माइनस टू, बताओ जीरो माइनस टू से लेस है या नहीं है? यस है, बड़ा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने y इक्वल टू टू का लिया है, ठीक है सर, लेकिन यहाँ लेस देन था, तो अगर लेस देन है तो हमारा ग्राफ डॉटेड आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि वो वैल्यूज फिर उसमें इंक्लूड नहीं होती, तो आपको डॉटेड लाइन लेनी है टू पे। तो इसका मतलब होता है कि भाई ये लाइन वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूडेड है। अब हमारे पास क्या है, जीरो इज लेस देन माइनस टू, तो जीरो लेस देन माइनस टू तो फॉल्स हो गया, जीरो तो बड़ा होता है माइनस टू से, तो इसका मतलब जीरो वाला पोर्शन नहीं है। तो अगर जीरो वाला पोर्शन नहीं, ओरिजिन वाला पोर्शन नहीं है, तो ओरिजिन से लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, तो लाइन से ऊपर वाले पोर्शन को हम शेड कर देंगे, जिस तरह से शायद शेड कर दीजिए, ऐसे आपने मार्क कर दिया, तो इधर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब y इज लेस देन माइनस टू, ये हमारा आंसर। अरे मेरे अल्लाह, सर ठीक है? यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सेकेंड एक्सरसाइज तक करना, क्या एक एक ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा क्लास ले बट आप इतना ही कर लीजिए, बस यही था आपके पास। अब सिर्फ इतना होगा कि एक से ज्यादा आपके पास आ जाएंगे, अब एक इक्वेशन है तो एक का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है एक से ज्यादा का सेम ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना, बस इतना सा आपको दे, तो कोशिश कर लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? यस सर। ओके यहाँ इसमें हमने गलती कर दी, यहाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, इस ग्राफ में हमने गलती कर दी कि ये हम इसको क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने माइनस यूज नहीं करा, हमने जो सॉल्यूशन किया है वो वाई इज लेस देन टू के लिए कर दिया और नीचे ग्राफ चेक कर लिया माइनस टू के लिए, मैं वही सोच रहा हूँ कि ग्राफ हमारा गलत क्यों आया, चलो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करें। एक्चुअली हमें माइनस टू लेना था, तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू जो हमारा ग्राफ आना था वो नीचे आना था यहाँ, तो अगर यहाँ आना था तो ओरिजिन वाला पार्ट हमारा बस ये हो जाता, बस और कुछ नहीं है, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो हमारा ग्राफ आना था ये, हमारा ग्राफ आना था माइनस टू वाला, माइनस वन माइनस टू, डॉटेड ग्राफ ये, और डॉटेड ग्राफ में ओरिजिन वाला पार्ट हमने चेक कर लिया फॉल हो रहा है, तो अगर फॉल्स हो रहा है तो इधर वाला, इसके नीचे वाला पार्ट, ओरिजिन वाला फॉल्स हो गया तो नीचे वाला पार्ट,
तो यहाँ हमारा आंसर आना था बेटे, वो मैं वही चेक कर रहा था कि ग्राफ क्यों गलत आया। तो y is less than, तो ये हमारा minus, हाँ ये हमारा ऊपर मोर देन वाला आएगा, तो ये नहीं आना। तो खैर नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। अल्लाह हाफिज सर। आप लोग इसको चेक कर लीजिए जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।